अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बेसिकली समझे हम लोग बॉम कैलोरीमीटर यूज क्यों होता है। ठीक है, मैंने आपको एंथैल्पीज बताई थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल सा काम है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना बड़ा आसान काम है। कंबशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओ, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की निकालना अगर चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बेसिक सबसे पहली चीज क्या हो गई, लिखो बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए। बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करते हैं। थ्रू दिस वी कैन कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वी कैन कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। समझ में आ गया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, एंथैल्पी हमेशा पर मोल होती है, ये बात आप लोग याद रखना, एंथैल्पी हमेशा पर मोल होती है। ये तो ध्यान है, पिछली बार सब पर मोल, किलो जूल पर मोल ऐसा आएगा, मतलब एक मोल यूज करेंगे, लेकिन बॉम्ब कैलोरीमीटर में कुछ और होता है, हमको निकालना ये है पर मोल के लिए। तो कैलकुलेशन कैसे होगी भाई हमें देखना, पर पहले देखिए हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या। बात समझ में आ गया, क्लियर है सबको। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू। समझ में आ गया, अब इसका नाम ही बॉम्ब है, समझ में आता है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बॉम्ब इसका नाम है फाइनली, तो बॉम्ब का मतलब ये समझ लो, ये कितनी भी हीट, जितनी हीट कंबशन में लिबरेट होगी उसको सहने को क्या है, रेडी है। मतलब इसको इस तरीके से बनाया हमने फाइनली कि ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, कितनी भी हीट लिबरेट हो कंबशन के टाइम पे उसको क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। समझ में आ गया, तो ये हमें टेंशन नहीं है कि हम कौन से प्रोडक्ट को जलाएं, क्योंकि कई प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है। तो ये टेंशन नहीं लेना हमें कि इतनी सारी हीट बाहर निकल रही है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के क्या हो, धमाके नहीं हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सप्लोजन नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर को बनाया इस तरह से जाता है कि आप कितना भी फ्लेमेबल कोई भी कंपाउंड लो उसकी वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाल के देगा। लेकिन कैसे निकालते हैं उसका तरीका देखो, पर पहले बॉम्ब कैलोरीमीटर दिखता कैसे जरा उसको देखो। क्या करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको हम बॉम्ब बोलते हैं। ठीक है, पहले उस बॉम्ब को देखो कैसा होता है, देखो जरा ध्यान से, अलग तरह का बॉम्ब दिखा रहा हूं, दिवाले वाले बॉम्ब को देखे होंगे तुमने, अभी अलग तरह का बॉम्ब। ये जो बॉम्ब होता है वो ऐसा होता है, एक ऐसा बॉक्स होता है, दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स है। अब खास बात देखो, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है और जितना भी कैलोरी, अभी ये जो कैलोरीमीटर बनाऊंगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्लियर है। तो यहां पर ये ध्यान रखना, दूसरी चीज क्या होती है जो ध्यान देने वाली है, वो क्या, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर टू, थिंग नंबर टू, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, क्लियर हो गया। चलो, ये हमारे पास एक बॉम्ब दे रखा है, उस बॉम्ब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसी जो बॉम्ब वाला आपको दे रखा है इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए, थोड़ा अच्छा दिख जाएगा होगा, तो क्या थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको बॉम्ब को। ये बॉम्ब थोड़ा सा ये इस तरह से मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। इस बॉम्ब में क्या होता है, एक छोटा सा इस तरह से एक बाउल रखा जाता है, दिखाई दे रहा है बाउल। इस बाउल में हम लोग वो कंपाउंड रखते हैं, जैसे मैंने एक कंपाउंड रख दिया जिसको हमें जलाना है। बात समझ में आ गई, इस बाउल के अंदर वो कंपाउंड रखा जाता है जिसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें निकालनी है, जिसे हमें जलाना है। बात समझ में आ गई, मैं मान लेता हूं कि मैंने वो जो कंपाउंड लिया है उसका वेट कितना है, उसका वेट मान लिया डब्ल्यू ग्राम, कितना मान लिया मैंने डब्ल्यू ग्राम। ये हो गया हमारे लिए बॉम्ब, उस बॉम्ब में एक छोटा सा बाउल रखा है जिसके अंदर आप जिसको भी कंबशन करना चाहते हो, कंबशन एंथैल्पी निकालना चाहते हो, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इसके अंदर डाल दिया, रख दिया। अब सवाल ये है कि उसका वेट कितना लेंगे, तो उसका वेट ज्यादा नहीं लेते, एक ग्राम, आधा ग्राम, इतना ही। रीजन क्या है, रीजन बड़ा सिंपल है, ये रीजन नहीं है कि ऐसा एक्सप्लोजन हो जाएगा ज्यादा वेट रख लेंगे तो कल को फ्लेमेबल हुआ धमाका नहीं हो जाए, उसका नाम ही बॉम्ब है, वो तो तैयार है उसके लिए। समझ में आ गया, कितना भी एक्सप्लोजन से कितनी भी हीट निकले उसके लिए वो तैयार है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो बॉम्ब आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर बॉम्ब, ये बॉम्ब जो है उसका वॉल्यूम बहुत कम है, तो हो सकता है जितना आपने रखा, आपने कल को आधा किलो रख दिया, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी,
तो आपने रखा तो आधा किलो कैलकुलेट करके पता लगा जब सारा रिएक्शन खत्म हो गया ऑक्सीजन प्रॉपर इसको मिली नहीं 200 ग्राम बच गया, तो फिर आप किसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालोगे। बात समझ में आ गया? तो आप इस बॉक्स में जितनी ऑक्सीजन है उसके हिसाब से मैक्सिमम आधा ग्राम या 1 ग्राम आप समझ जाओगे, इतना तो सेंस होगा। आधा ग्राम और 1 ग्राम इतना क्वांटिटी बहुत आसानी से यहाँ जलाया जा सकता है, इतनी तो ऑक्सीजन इस बॉक्स में होगी ही होगी। समझ में आ गया रीजन क्या है? सबको समझ में आ गया ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, किसी भी चीज को जलाने के लिए कंबशन के लिए बेसिकली तीन चीजों की जरूरत होती है। अगर आपको कंबशन करवाना है तो तीन चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन सी? सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, क्या चाहिए? एक तो चाहिए फ्यूल। भाई जिसका फ्यूल, जिसका कंबशन कराना चाहते हो वही नहीं है तो कंबशन कहां से कराओगे? फ्यूल चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बात समझ में आती है? लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों हो तो कंबशन हो ही जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, देखो ये कागज, ये सेल्यूलोज का बना हुआ है, समझ में आता है? ये फ्यूल है, ये फ्यूल की तरह भी काम करता है। सर्दियां ज्यादा हो तो तुम एक कागज को जला सकते हो, हाथ तापते हो ना तुम लोग, हीट तो निकलती है ना, तो जलने लायक है। बात समझ में आ रहा है? अब एक कागज को मुझे जलाना है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, यानी कि फ्यूल भी तैयार है और ऑक्सीजन भी है, तो क्या जल रहा है क्या? नहीं। तो एक तीसरी चीज और चाहिए इसको जलाने के लिए, क्या? वो पीछे से बोल रहा है माचिस। ऐसा नहीं है, वैसे सही है, माचिस चाहिए, नो डाउट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये कागज है, इट्स अ फ्यूल, ऑक्सीजन भरपूर है, कागज है यानी कि फ्यूल है, ऑक्सीजन है, उसके बावजूद भी जल नहीं रहा है, तो तीसरी चीज की जरूरत है, जिसको तुम माचिस बोलते हो। और अगर टेक्निकल वे में बोलो तो तीसरी चीज है हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर। क्या चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर। मैं तुम्हें बता देता हूँ हर एक चीज जो जलने वाली, यानी कि एज अ फ्यूल जिसको हम काम में लेते हैं, उसके लिए इग्निशन टेम्परेचर फिक्स होता है, वो टेम्परेचर जिसमें वो इग्नाइट हो जाता है। बात समझ में आ गया? जैसे ये कागज जो मैंने तुम्हें दिखाया, जो सेल्यूलोज का बना हुआ है, उसके लिए इग्निशन टेम्परेचर होता है 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। इतना चाहिए। रूम में टेम्परेचर कितना है? 25। कैसे जलेगा? नहीं जल सकता। और अगर ये तुम 500 डिग्री सेल्सियस कर दो तो ये पेज भी जलने लगेगा। तुमने कभी गौर किया है, तुम लोग एक गेम खेलते हो, एक वो कांच, तुम एक मिरर लेते हो, उसको फोकस कराते हो सनलाइट का, तो कागज जलने लगता है, क्योंकि तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करवा दिया। और तुम टेम्परेचर को उस वेट तक ले गए, उस हद तक ले गए, जब जो टेम्परेचर किसके बराबर है? इसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर है। बात समझ में आ गया? तो तीन चीजों की जरूरत होती है, फ्यूल, एक ऑक्सीजन, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट इग्निशन। जब तुम माचिस जलाते हो बच्चों, तो माचिस में जो फ्लेम निकलती है, जो मैच बॉक्स से जो तुमने तीली जगह से जो फ्लेम निकलती है, वो उसका टेम्परेचर कम से कम 1100-1200 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका कितना है? 500 होते हैं, तुरंत जलने लगता है। बात समझ में आ गई? रीजन होता है इसका जलने का। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए इग्निशन टेम्परेचर, और ये तीनों हमें यहां अरेंज करवानी है। सबसे पहले तो फ्यूल, हमने फ्यूल अरेंज करवा दिया। इस बॉल के अंदर क्या रखा हुआ है? फ्यूल। बाय द वे जो बॉक्स है जिसको हम लोग बॉम्ब बोलते हैं, तुम इसको क्या कहते हो? बॉम्ब। ये जो बॉम्ब है बेसिकली वो किसका बना होता है? कॉपर का। ये भी तुम्हें बता देता हूं, ये बॉम्ब आपको किसका बनाना है? कॉपर का। अब कॉपर का क्यों बनाते हैं? सबसे पहला, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ हीट। ये सबसे पहला रीजन है, ये बहुत ही अच्छा हीट का कंडक्टर है, मतलब जितनी हीट यहां से लिबरेट होगी मैक्सिमम ये बाहर फेंकते हैं। अभी देखेंगे इसको यूज कैसे करेंगे। सबसे पहला कारण कि कॉपर का हम बॉम्ब क्यों बनाते हैं, बॉम्ब कॉपर का बनता है, उसका पहला रीजन क्या है? ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, किसका? हीट का, क्योंकि मैं हीट ही तो मेजर करनी। दूसरी चीज, क्यों इसको यूज करते, कोई बता सकता है? कौन बताएगा? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। अब होगा क्या, अगर ऐसा हम इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो पता लगता है जितनी हीट यहां से निकल रही है वो बॉक्स ही पिघल गई है, तो फायदा क्या होगा? बात समझ में आ रही है? इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है कि ये सहन कर लेगा उस हीट को, जो यहाँ हीट बाहर निकलेगी। तो दोनों ही तरीके से हमारे लिए क्या है, ये अच्छी चीज है। तो हमने कॉपर का बॉम्ब बनाया, उस कॉपर के बॉम्ब में हमने प्याला रख दिया और प्याले के अंदर फ्यूल डाल दिया, तो हमारा पहली चीज हो गई, फ्यूल हमारे लिए अरेंज हो गया। अब हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और क्या चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर पैदा करने के लिए कोई चीज, जैसे कि इस केस में माचिस थी,
हमारे पास यहाँ माचिस तो हम लगा नहीं सकते, खुद ही जलाएंगे बम के अंदर, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अरेंजमेंट करनी है। तो देखो इग्निशन टेम्परेचर पैदा करने के लिए अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो यहाँ पर तुम एक ऐसी क्या करते हो, कंडक्टर वायर्स लगाते हो, ये कंडक्टर वायर्स लगाया और यहाँ बीच में गैप छोड़ देते हो, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल स्पार्क पैदा करने के लिए। और इलेक्ट्रिकल स्पार्क पैदा कैसे होगा, तुम यहाँ पर बैटरीज लगाओ, बैटरी लगाओ डीसी बैटरी, बात समझ में आ गया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या कर दो तुम एक की लगा दो, जैसे ही इस की को तुम बंद करोगे सर्किट पूरा हो जाएगा, यहां से क्या होगा, करंट इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, जैसी करंट फ्लो होगी यहाँ स्पार्क पैदा होगा, उस स्पार्क से, आपने कभी लाइटर देखे घर पे, लाइटर क्या करता है, स्पार्क ही तो पैदा करता है, तुम लाइटर को दबाते हो वैसे तुम्हें इस की को दबाना है यहाँ, समझ में आ गया, ऑटोमेटिकली स्पार्क पैदा होगा, कैसे समझ लो, ये लाइटर ही एक तरह से, समझ में आ गया, तो ये लाइटर ही इग्निशन टेम्परेचर देगा उसको। तो हमारी दूसरी अरेंजमेंट हो गई, तीसरे अरेंजमेंट बाकी कौन सी, ऑक्सीजन देगी ना इसको भी, समझ में आ गया, तो प्रॉपर वे से इसको ऑक्सीजन दी जाती है बाहर से, और ऑक्सीजन के लिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी पाइप लगाते हैं, ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे क्या हो, ऑक्सीजन को तुम लोग अंदर भेज सको, बात समझ में आ गया। लेकिन ये बहुत ही प्रॉपर वे से, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 22-25 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑक्सीजन को अंदर भेजा जाता है। तीनों अरेंजमेंट हो गए, भेजने के अरेंजमेंट हो गए। अब ये जब जला तो हीट बाहर निकलेगी, उस हीट का क्या करना है जरा उसको देखो, उससे हम इस जो यहाँ पर जो कंबशन के लिए रखा हुआ है उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे मेजर करेंगे वो देखना, समझ में आ गया, अभी तक का अरेंजमेंट क्लियर है। अब आ जाओ आगे, अब हमें क्या करना है, चलो दूसरा चौक ले लेता हूं। देखो फाइनली अब हमें इसका आगे का प्रोसेस देखना है। अब ये अब आगे क्या करें, जो हीट निकलेगी तो उसको ऑब्जर्व करना है, आप जरा ध्यान से देखें, ये जो हीट बाहर निकल रही है उसके लिए हमें एक नया अरेंजमेंट और कर रखा है बाहर। यहां पर हमने एक बॉक्स लगा रखा है, इस पूरी अरेंजमेंट को ही बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। ये जो बॉक्स लगा रखा है, इस बॉक्स के अंदर क्या होगा, पानी भरा होगा, ये पानी भरा हुआ है, देखो दिखाई दे रहा है सबको, ये वाटर, ये पानी भरा हुआ है और ये पूरा बॉक्स बंद है। मैंने कहा था तुमसे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है, तो इधर क्या हुआ है, ये पानी भरा हुआ है और ये ऊपर से ये जो बॉक्स है वो बंद है, पूरी तरह से पैक है, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया, बात समझ में आ गया। और खास बात, इसके अंदर की ये जो आपके पास बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर की जो लेयर है ये वाली, ये लेयर ऐसे एलिमेंट की बनाई जाती है जो इजीली ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के चांसेस भी यहाँ बहुत ज्यादा है, समझ में आ गया। तो अंदर की जो लेयर है, या तो वो गोल्ड की बनाई जाती है या वो प्लेटिनम की बनाई जाती है, बात समझ में आ गया, गोल्ड या प्लेटिनम का, जो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। और ये जो बॉक्स लगा हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं, बॉम्ब, अंदर वाले को बॉम्ब बोलते हैं, और पूरी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर, समझ में आता है। और यहां पर क्या लगा हुआ है, ये अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर, समझ में आ गया। और ये जो लेयर है वो किसकी बनी होगी, या तो गोल्ड की या प्लेटिनम की, समझ में आता है। अब क्या करेंगे, ये सारा अरेंजमेंट हो गया तैयार। सबसे खास बात, इसको हम यहां पर जो ये जो वेसल बनाया हमने, ये कुछ ऐसा है कि यहां से जितनी भी हीट बाहर निकल रही है, ये हीट जो भी बाहर निकलेगी वो सिर्फ पानी को ऑब्जर्व करनी है, आगे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जिसने जितनी हीट पैदा की, मान लो वो एटमॉस्फेयर में चली गई, तो फिर कहां से कैलकुलेशन करोगे, बात समझ में आई। तो यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए हीट, क्लियर हो गया। इसका मतलब इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में क्यू क्या रहेगा, यानी कि हीट क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, ये बात आप लोगों को ध्यान रखी, समझ में आ गया। यानी कि ये हीट यहां से बाहर नहीं निकल सकती, क्यू का एक्सचेंज क्या है यहां पर, जीरो, समझ में आ गया। क्यू का एक्सचेंज यहां पर क्या है, इस फेज से जीरो, सारी हीट यहां से यहां हो सकती है बाहर, क्योंकि ये तो कॉपर लगा रखा है, लेकिन यहां से यहां बाहर नहीं हो सकती। यहां से यहां क्यू यानी कि एक्सचेंज ऑफ हीट कितना है, जीरो, और जहां एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो होता है उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक, याद है, एडियाबेटिक सिस्टम है, एडियाबेटिक कैलोरीमीटर भी कह सकते हो आप इसको, बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया। एक तो इसका कांस्टेंट वॉल्यूम है, सबसे अच्छी बात, एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी कि हीट सिर्फ यहां ट्रांसफर हो सकती है, समझ में आ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इग्नाइट करने के लिए हम लोग बैटरी लगा रखा है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर दी हमने। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब देखो
यहां से जितनी हीट निकलेगी जब एक कंबशन होगा इसका, तो हीट निकलेगी, ये हीट क्या होगा, ये हीट से पानी गर्म होगा। तो पहले जो आपने जलाया नहीं है उस टाइम पे टेम्परेचर नोट करो कितना है, ठीक है, बिफोर इग्निशन, जब जलाया नहीं है, बिफोर इग्निशन। और वो टेम्परेचर नोट कैसे करोगे, यहां पर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, एक थर्मोमीटर। तो तुम्हें एक थर्मोमीटर की भी जरूरत है, ये मैंने एक थर्मोमीटर लगा दिया, सबको समझ में आ रहा है, ये थर्मोमीटर लगा दिया जो तुम्हें टेम्परेचर की क्या करेगा, काउंटिंग, टेम्परेचर को कैलकुलेट करके बताएगा, बता देगा, तुम इसको देख लोगे टेम्परेचर मालूम पड़ जाएगा कितना, समझ में आ गया। तो मैं मान लेता हूं जो मैंने इग्नाइट नहीं किया था बिफोर इग्निशन, टेम्परेचर कितना बता रहा है, T1, सबको समझ में आती है। और जब आपने इसको इग्नाइट कर दिया, ये पूरा जल गया, तो पूरी रिएक्शन के बाद आफ्टर इग्निशन टेम्परेचर कितना है, T2। ये देखो जरा ध्यान से, ध्यान पड़ गया, दोनों टेम्परेचर बता दिए इसने, क्लियर हो गया सबको। अब जरा ध्यान से देखो टोटल चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, T2 - T1, क्लियर हो गया सबको। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पता होनी चाहिए, क्यों क्यों ये पता होनी चाहिए, क्योंकि याद करो मैं तुम्हें बहुत बार बता रखा है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो जितनी हीट बाहर निकलेगी वो क्या करेगी, वॉटर की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, और इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से तुम सीधे इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हो, समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको। फाइनली जरा ध्यान से देखो, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम में मैं वहां बता देता हूं, देखो फॉर्मूला कैसे यूज करना है इसका, जरा ध्यान से इसको समझना, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहां पर क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है। अब सारे फॉर्मूले रिकॉल करो, अपने आप से याद आ जाएंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट के एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूवी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एक्सचेंज जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, होता है। और ये जो कांस्टेंट एनर्जी पे आपने जो क्यूवी लिया है वो किसके बराबर होगा, व्हिच इज इक्वल्स टू, ये होगा सी डेल्टा टी। बात समझ में आ गई, सी डेल्टा टी। अब मैंने इसको तो डब्ल्यू मान रखा है ना बच्चों, डब्ल्यू क्यू की वैल्यू, क्यूवी पता लग गया, सी डेल्टा टी। अब यहां सी क्या है, सी है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, समझ में आ गया। लेकिन हीट कैपेसिटी किसकी है, ये हीट कैपेसिटी इस पूरे सिस्टम की है, उसमें सब चीजें आ गई। हीट कैपेसिटी इस बॉक्स की, यानी कि इस बॉम्ब की, हीट कैपेसिटी इस पानी की, और हीट कैपेसिटी इसकी, वो ओवरऑल डेटा तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। कई बार पूछते हैं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ दी बॉम्ब कैलोरीमीटर, एग्जैक्टली ऐसा वर्ड देकर। और मान लो तुम्हें इंडिविजुअली दे दे, बोले कि हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस एंड हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब इज दिस, तो दोनों को जोड़ देना, तो ओवरऑल हीट कैपेसिटी आएगी, समझ में आ गया। तो ओवरऑल जो हीट कैपेसिटी आ गई सी, वो तो ये नहीं, और चेंज इन टेम्परेचर तुम्हें पता है, यहां से तुमने क्या निकाल लिया, क्यूवी, सबको समझ में आ गया, क्लियर है, क्यूवी निकाल लेगा। और तरीका वो डेटा पे डिपेंड करता है, अगेन मैं बता देता हूं, दैट डिपेंड्स ऑन डेटा कि आपको क्या यूज करना है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको, ये सेंस है। अच्छा क्यूवी की वैल्यू ये भी हो सकती है क्या, एम एस डेल्टा टी, यहां पर एम क्या है, मास, किसका, ये जिसका इग्निशन हुआ है। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट, वो आपको दी होगी जिसका भी है। और डेल्टा टी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है यहां से, चेंज इन टेंपरेचर, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन डेटा। और कई बार खास बात जरा ध्यान से देखो, इस तरह से भी आप इसको यूज करते हो, किस तरह से जरा ध्यान से इसको देखना, ये क्यूवी का वैल्यू जो होगा विच इज इक्वल टू डेल्टा ई, इसका एक नया फॉर्मूला भी है, वो कैसे आया मैं आपको बताता हूं, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला ये भी यूज हो सकता है क्या, ये दैट इज सी इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, ये भी एक हमारे पास डेटा है जो हम लोगों को क्वेश्चन में यूज करना पड़ सकता है। अब ये आया कैसे, सवाल ये है, तो देखो यहां पर कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है हमारे पास मोलर मास, किसका, जिसको तुम इग्नाइट कर रहे हो। यहां पर मान लो मैंने शुगर रख दिया, तो शुगर का मोलर मास कितना होता है, 342। ग्लूकोज रख लिया, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180। तो जिसका रखा उसका मोलर मास है, समझ में आता है। और मोलर मास किसमें होता है, ग्राम पर मोल में, ध्यान से समझना इसको, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गया सबको। अच्छा स्मॉल एम क्या है यहां पर, दैट इज मास, जिसका भी क्या कर रहे हो, इग्निशन कर रहे हो, मास ऑफ कंपाउंड,
ये किसका हो, किसमें होगा, ग्राम में। अच्छा डेल्टा टी किसमें होगा, केल्विन में। सी आपको किसमें दिया होगा, जूल पर केल्विन में। अब डेटा को जरा ध्यान से देखो, आपके पास आंसर क्या आएगा जरा चेक करो, सारी यूनिट को रख लो तो क्यू भी आ रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक करो, अपने आप आपको समझ में आएगा। पता कैसे रखो, सबकी यूनिट उठा के, अगर मैं सबकी यूनिट रख दूं, मैं यहां बनाता हूं इस बॉक्स में, देखो सी की यूनिट कितनी है, जूल पर केल्विन है, किलो जूल पर केल्विन भी हो सकती है, तो किलो जूल रख देना, फर्क नहीं पड़ता। इनटू डेल्टा टी की यूनिट क्या है, केल्विन। इनटू मोलर मास की यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। समझ में आ गया। और इनटू वो तुमने क्या रखा, ग्राम। वेट, वेट की यूनिट क्या है, ग्राम। यहां से देखो ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम। यहां से देखना इसको, केल्विन से केल्विन कैंसिल, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, तुम्हारे पास qv की वैल्यू आ रही है किसमें, जूल पर मोल। और एग्जैक्टली ये फॉर्मूला यूज करने से तुम्हारे पास सीधे इंटरनल एनर्जी निकलेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों ही पर मोल होती है। ये फॉर्मूला यूज करोगे सीधे सीधे तो सीधे पर मोल में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। उसमें करना क्या होता है, तुम्हें मास दिया होगा, इसका मोलर मास तुम्हें चाहिए, सी की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे इस तरह से फॉर्मूले में रख के, तो qv की वैल्यू आ गई। आ गई qv की वैल्यू, वो सीधे सीधे जूल पर मोल में आ गई। अगर डेटा एज इज ऐसा रखते हो, जिसमें तुम्हें ध्यान रखना है c की वैल्यू किसमें होगी, जूल पर केल्विन में, या फिर ये किलो जूल पर केल्विन में भी हो सकती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। केल्विन ये किलो है, ध्यान रखना, ऊपर वाला नीचे वाला केल्विन है। बात समझ में आई, ये किलो जूल पर केल्विन में होगी तो ये आंसर किसमें आएगा, किलो जूल में, किलो जूल पर मोल। और जब भी किलो जूल पर मोल लिखा हो तो तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू पर मोल में ही होती है, जिससे तुम एंथैल्पी आसानी से निकाल सकते हो, जो कि एग्जैक्टली पर मोल में होती है। समझ में आ गया। अब अगर qv की वैल्यू तुम्हारी निकल गई, जो कि किसके बराबर है, डेटा ही के, अब बड़ा आसान काम है, तुम्हें निकालना क्या है, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी नहीं निकालना, एंथैल्पी निकालना है। अब देखो जरा ध्यान से, एंथैल्पी कैसे निकलेगा, दिस इज वेरी इजी, जो मैं तुम्हें कहां दिखाता हूं, मैं यहां दिखा देता हूं, ऊपर दिखाई दे रहा है सबको, इस बॉक्स के अंदर बंद करके दिखा दूं, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिखाया था, दिख रहा है इसके अंदर, हां तो जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिखा था, याद करो, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी इनटू आरटी। डेल्टा ई तुमने निकाल लिया, ये रहा, किसके निकाला, सी इनटू डेल्टा टी, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम निकाल लिया, ये डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। डेल्टा एनजी वो अभी निकालेंगे, किसका कंबशन करा रहे हो, मान लो तुमने कंबशन कराया यहां पर बेंजीन का, किसका कंबशन करा लिया, बेंजीन का, मान लेते हैं अपन बेंजीन का कंबशन करवाया, तो बेंजीन का कंबशन करवाया, तो बेंजीन की इक्वेशन लिखो, बेंजीन की इक्वेशन क्या होती है, देखो C6H6 कंबशन कराना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, समझ में आ रहा है, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, ये बनेगा डेल्टा एनजी की वैल्यू, तो आप निकलेगी जब इसको बैलेंस कर लोगे। अब इसको बैलेंस करो, कितने कार्बन है, 6, यहां क्या लगाओगे, 6, कितने हाइड्रोजन है, 6, यहां क्या लगाओगे, 3, ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर, ये देखो 12 और 3 15, तो यहां कितने होने चाहिए, 15, तो क्या लगाओगे, 15/2, समझ में आता है। अब इसके लिए जरा ध्यान से देखो, डेल्टा एनजी निकालोगे कैसे, अब सवाल ये है, तो डेल्टा एनजी निकालने का तरीका देखो, डेल्टा एनजी जिसमें सिर्फ गैसियस मोल्स लिए जाते हैं, बेंजीन लिक्विड होती है पहली बार, तो उसको लेना नहीं, ऑक्सीजन गैस होती है, तो उसके मोल, इसके क्या करने हैं आपको, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेना है, CO2 गैस होती है, इसका भी लेना है, और H2O क्या होगा, लिक्विड, उसको भी नहीं लेना, तो लेना सिर्फ किसको है, एक तो CO2 के मोल को और एक ऑक्सीजन के मोल को, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 6 - 15/2, कितना आ गया, -1.5 -3/2, समझ में आ गया, ये वैल्यू उठा के रखो। अगेन डेल्टा एनजी वैल्यू कहां से निकलेगी, कि तुम कौन से प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, कंबशन कर रहे हो, उससे, जैसे मैंने अभी करके दिखाया, बेंजीन का कंबशन करेंगे तो डेल्टा एनजी वैल्यू कितनी होगी, -1.5, वो वैल्यू यहां रख दो उठा के। आर की वैल्यू क्या यूज करोगे, 8.314, क्योंकि जूल में निकालना है, और टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर क्या बोलेंगे, समझ में आ गया, इसको रख दोगे तो डेल्टा एच का वैल्यू आ जाएगा उसके, और ये हमने कैलकुलेट करना है, दोबारा समझा देता हूं, देखो जरा ध्यान से, समझ में आ गया वैसे तो, बट फिर से देखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, इसमें एक बॉम्ब होता है, उस बॉम्ब में तीन चीजों की जरूरत है आपको, एक तो फ्यूल, तो प्याले में फ्यूल रख दिया, दूसरा इग्नाइट करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने इग्नाइट करने के लिए बैटरी के साथ एक सिस्टम लगा दिया,
स्पार्क प्लग के जैसे समझो तुम इसको, स्पार्क के जैसे स्पार्क पैदा करना है। तीसरा ऑक्सीजन प्रॉपर मिले इसके लिए मैंने एक पाइप लगा दी जिसकी प्रेशर कितनी होनी चाहिए 22-25 atm। फिर मैंने क्या किया, इस पूरे बॉक्स बाहर एक बॉक्स लगाया, ये जो बॉक्स है उसके अंदर की जो परत है वो गोल्ड या प्लेटिनम की बनी हुई होती है ताकि ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए अंदर की परत का, ऑक्सीडेशन होने के चांसेस रहता है। ऐसी मेटल लगाओ जिसका ऑक्सीडेशन नामुमकिन होता है ऑलमोस्ट, समझ में आ गया। तो वो हमने यहाँ लगा दिया। एक टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर चाहिए, क्लियर हो गया। एक स्टीरर भी चाहिए होता है, वो जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ दिखाया नहीं। स्टीरर का मतलब समझते हो, जिसको रोटेट करके आप लोग टेम्परेचर मैनेज करते हो, ऐसा रोटेट करते हो घर पे कभी रसोई में देखना स्टीरर होता है, देखा है कभी, मम्मी यूज करती है। तो चलो फाइनली अब इसमें करना क्या है, पहले तुम क्या करो, वेट कोशिश करो, वेट मेजर करना, जो भी तुम प्याले में रख रहे हो उसका वेट मेजर कर लो, आधा ग्राम है, एक ग्राम है, कितना है, वेट तो मेजर कर ही लोगे। वो वेट मेजर करके उसको यहाँ पे डालो, स्पार्क लगाओ, इसको जलाओ, जितनी हीट होगी कॉपर का ये जो बॉक्स है उससे सारी हीट बाहर निकलेगी। कौन ऑब्जर्व करेगा उसको, ऑब्जर्व करेगा वाटर, ये वाटर ऑब्जर्व कर लेगा सारी हीट और टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा इसके। पहले टेम्परेचर कितना था मान लिया अपन ने टीमन जब इग्नाइट नहीं किया था तब, बाद में टेम्परेचर कितना है T2 जब इग्नाइट कर दिया, दोनों का डिफरेंस देख लो T2-T1। उससे मैं तुम्हें कहता हूँ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, सीधे ये फॉर्मूला याद रखो, ये सीधे आप, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को क्यू भी कहेंगे, ये सीधे डेल्टा की वैल्यू देगा। उसके लिए क्या रखना आपको, सी इनटू डेल्टा कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, सी क्या है यहां पर हीट कैपेसिटी इस कैलोरीमीटर की, जो कि किस किस पे भी दिया होगा, दे दिया होगा किलो जूल पर केल्विन या फिर जूल पर केल्विन में दिया होगा, ये डेटा आपको ध्यान से लिखना है, समझ में आ गया। टेम्परेचर किस में दिया होगा, केल्विन में। स्मॉल एम क्या हमारे पास, जिसकी इग्निशन कर रहे हैं उसका मास है, वेट कितना लिया, डब्ल्यू माना है तो डब्ल्यू मान लो इसको, ये लो यहां पर एम लिख लो या डब्ल्यू, समझ में आ गया, एक ही बात है वो ऊपर भी माना आपने। और कैपिटल एम क्या है, जो भी तुम यहाँ रख रहे हो उसका मोलर मास, बेंजीन का मोलर मास कितना होता है 72 और बेंजीन का 76, 6 होता है ना कार्बन, तो 72 तो कार्बन क्या हो गए और 6 हो 78 हो गया, तो 78 इस केस में अगर बेंजीन लेते हैं हम लोग तो 78 यहाँ रख देते 78 बाई मान लो 1 ग्राम लिया तो 1, यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज कितना मान लो 1 आया तो 1 रख दो। आपको इसकी कैपेसिटी दे रखी होगी क्वेश्चन में, क्यू भी कैलकुलेट कर लो, डेल्टा की वैल्यू पता लग जाएगी, जब तुम्हें डेल्टा की वैल्यू पता लग गई इक्वेशन लिखो, किसका इक्वेशन करवाया वो तुम्हें खुद को लिखना है, यहाँ से तुम्हें डेल्टा एम की वैल्यू मान पड़ जाएगी, तुम्हें खुद को निकालना है। ये वैल्यू क्या इसमें रख दो इस फॉर्मूले में जो कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में करवा रखा है, जिसने नहीं किया है वो जाके यूट्यूब पे वीडियोज पढ़ी उस पर जाके देखो, समझ में आता है। ये इसको उठा के रख दो, आपके पास चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगा, और ये चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, कंबशन एंथैल्पी, जिस भी प्रोडक्ट को आप कंबशन करवा रहे हो, समझ में आ गया, बॉम्ब किलोमीटर, क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब शांति से इसको उतारो।